वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल एचआरएसपी एजुकेशन एंड मोटिवेशन। साथियों, निपुण असेसमेंट टेस्ट आकलन परीक्षा का हल प्रश्न पत्र कक्षा 8 के छात्राओं हेतु लखनऊ में आयोजित निपुण असेसमेंट टेस्ट 18 अक्टूबर 2022 का साल पेपर आप इस वीडियो पर देख सकते हैं। शिक्षकों को ओएमआर पत्रक ओएमआर शीट कैसे भरना है उसके निर्देश दिए गए हैं। संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो पर बताई जाएगी। यदि कक्षा 6 का पेपर देखना चाहते हैं तो हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उपलब्ध हो जाएगी उसकी लिंक। वहां से क्लिक करके आप उसके क्वेश्चंस पेपर देख सकते हैं और बच्चों को प्रिपरेशन करवा सकते हैं। तो साथियों, ज़्यादा समय न लेते हुए अब देखते हैं आकलन परीक्षा का प्रश्न पत्र। साथियों, कक्षा 8 सेट ए का प्रश्न पत्र है। अधिगम स्तर पर आधारित त्रैमासिक आकलन प्रश्न पत्र कक्षा 8 सेट ए। सबसे पहले विद्यार्थी का नाम, शिक्षक के लिए निर्देश। कक्षा 8 का आकलन शुरू करने से पहले कृपया निर्देश पत्र पढ़ें एवं सरल ऐप ट्रेनिंग वीडियो देखें। यह आकलन प्रत्येक विद्यार्थी द्वारा स्वयं किया जाएगा। सभी विद्यार्थियों के साथ उनका सरल ऐप में उल्लिखित आईडी 9 अंकी साझा करें। ओएमआर शीट को भरने में सहयोग दें। सुनिश्चित करें कि वितरित की गई ओएमआर शीट में एक छात्र आईडी कर भरने के लिए जगह है। कृपया कक्षा 8 के आकलन के लिए 30 प्रश्न वाली ओएमआर शीट प्रयोग करें। ओएमआर शीट केवल प्रश्न पत्र में दिए गए प्रश्नों के लिए ही भरी जानी है। विद्यार्थी के लिए निर्देश, कक्षा 8 के छात्र छात्राओं हेतु आकलन के उपरांत ओएमआर शीट में शिक्षक द्वारा दिए गए आईडी 9 अंकी को भरें एवं अपना नाम लिखें। हर प्रश्न में जिस विकल्प को चुना गया ओएमआर शीट पर उस गोले को काले बाल पॉइंट पेन से गोला करें। गोले या आईडी नंबर पर टिक, क्रॉस, स्क्रैच आदि ना करें। साथियों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, रमेश उड़ा रहा है, उचित संज्ञा शब्द का चुनाव करिए। पतंग, पानी, आसमान, फूल। तो यहाँ पर पतंग पर टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड, निम्न में सर्वनाम शब्द है, जागना, सफाई, रोग, कौन। इस पे आप देखेंगे सर्वनाम कौन सा है, सर्वनाम के उदाहरण में। क्वेश्चन नंबर थ्री, पवन का संधि विच्छेद है, पोधन, अन, पवन। इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर फोर, प्रतिकूल में प्रयुक्त उपसर्ग है, प्रति, परि, प्र, परा। यहाँ पर प्रा उपसर्ग होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर फाइव, 1/2 1/2 3/2 का योग है, यहाँ पर आपका बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर सिक्स, 4/3 ऋण 1/2 का अंतर है, ये आप यहाँ पर 3, 6, 8। पाँच बटा छ, ये ऑप्शन क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेवन, एक वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल 625 वर्ग मीटर है, खेत की प्रत्येक भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो वर्गाकार खेत, यहाँ पर आपका वर्गमूल निकालना है, 25, 625 का 25 आएगा, तो बी ऑप्शन आपका क्लियर होगा। क्वेश्चन नंबर एट, कक्षा 4 में 12 बच्चे हैं, शिक्षक के पास 144 टाफियाँ हैं, शिक्षक सभी बच्चों को कितनी टाफियाँ बराबर बराबर बांट सकता है। तो यहाँ पर आपका 12 से 144 में डिवाइड करेंगे यानी भाग देंगे, तो ये 12 आ जाएगा, 12 12 टाफियाँ बांट सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर
ये साथियों इंग्लिश का पार्ट आ गया है। क्वेश्चन नंबर 9 में है, चूज द ग्रामेटिकल करेक्ट सेंटेंस। ए ऑप्शन आई वाज राइट ए लेटर स्टरडे। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन बी आई वाज राइटिंग ए लेटर स्टरडे। सी आई वाज रोट ए लेटर स्टरडे। ऑप्शन डी आई राइटिंग ए लेटर स्टरडे। ये ग्रामेटिकल करेक्ट यहाँ पर कौन सा सही है व्याकरण की तौर पर, इस पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ आई वाज रोट ए लेटर स्टरडे, वाज के साथ रोट लगेगा, ये सी ऑप्शन आपका क्लियर होगा। ये सी से करेक्ट आपका बी भी लग रहा है, आई वॉज राइटिंग ए लेटर स्टरडे, मैं कल लेटर लिख रहा था, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 10, चूज द ग्रामेटिकल करेक्ट सेंटेंस, राज इज ब्रश हिज टीथ डेली। राज ब्रश हिज टीथ डेली, राज ब्रशेस हिज टीथ डेली, राज विल ब्रशेस हिज टीथ डेली। राज इज ब्रश हिज टीथ डेली। क्वेश्चन नंबर 11, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिल द सुटेबल एडजेक्टिव। राजा हरिश्चंद्र इज नोन एज द ऑनेस्ट किंग ऑफ इंडिया। यहाँ पर एडजेक्टिव क्या यूज करेंगे, मोर ऑलमोस्ट मोस्ट मच। मोस्ट ऑनेस्ट, राजा हरिश्चंद्र जाने जाते हैं ईमानदार राजा के रूप में, भारत के ईमानदार राजा के रूप में माने जाते हैं या जाने जाते हैं राजा हरिश्चंद्र, तो यहाँ पर एडजेक्टिव आपका मच मोर मस्ट मोस्ट, तो ये आपका सी होना चाहिए, सी ऑप्शन। फिर क्वेश्चन नंबर 12, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट ऑफ इंडिया, ये मोर ग्रेट ग्रेटर ग्रेट। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम वाज वन ऑफ द ग्रेट साइंटिस्ट ऑफ इंडिया। यहाँ पर ए ऑप्शन। 13 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से परमाणु के किस मूल कण उदासीन होते हैं। तो ये न्यूट्रल होते हैं न्यूट्रॉन के, प्रोटॉन में आपके धनात्मक होते हैं, इलेक्ट्रॉन में ऋणात्मक, तो ये बी पर आप टिक करेंगे, उदासीन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, जिन तत्वों के परमाणुओं में परमाणु संख्या समान होते हैं परंतु परमाणु भार में अंतर होता है उन्हें कहते हैं। प्रोटॉन की संख्या, परमाणु भार, समस्थानिक, समभारी। जिन तत्वों के परमाणुओं में परमाणु संख्या समान होते हैं परंतु परमाणु भार अलग अलग होते हैं यानी भिन्न होते हैं वो समस्थानिक कहलाते हैं, तो ये ऑप्शन सी इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से कौन सा तत्व परमाणु संख्या व परमाणु भार के अनुसार सही नहीं लिखा गया है। 7N14 ये आपका करेक्ट है, 6C12 ये भी करेक्ट है, 2AC4 करेक्ट है, 17Cl37 ये आपके समस्थानिक रूप में लिखा हुआ है। यहाँ पर आपका परमाणु संख्या व परमाणु भार के अनुसार नहीं है, 17Cl35 होना चाहिए, 35, ये डी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 16,
संचार का आधुनिकतम साधन कौन सा है? कबूतर, पत्र, इंटरनेट, संदेशवाहक। तो ये साथियों आधुनिकतम साधन है हमारा संचार कम्युनिकेशन का इंटरनेट। इंटरनेट पर टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 17, नवीनीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है? पेट्रोल, डीजल, एलपीजी, सौर ऊर्जा। तो ये मित्रों ये आपका सौर ऊर्जा आपका नवीकरण ऊर्जा का स्रोत है। क्वेश्चन नंबर 18, आईसीटी क्या है? इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन एंड कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, इनिशियल एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इंटर एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। यहाँ पर साथियों आईसीटी का आशय है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ये आप ए पर टिक करेंगे। तो ये साथियों 18 क्वेश्चन थे सेट एक एक कक्षा 8 के। तो ये आपके मॉडल के तौर पे हमने ये वीडियो बनाया था साथियों। इसी से मिलते जुलते क्वेश्चंस आ सकते हैं और बच्चों को बच्चों के व्हाट्सएप ग्रुपों में या जिसमें विभाग जुड़े हुए हैं उनमें शेयर करें ताकि इस प्रकार से वो प्रिपरेशंस कर सकें। तो साथियों इसी प्रकार के वीडियो जैसे ही आपको उपलब्ध होंगी अन्य जनपदों की या अभी 20 तारीख को यानी 20 अक्टूबर को आगरा मंडल की भी परीक्षा होने जा रही है, तो जैसे ही पेपर मॉडल उपलब्ध होंगे वैसे ही आपको इस वीडियो इस चैनल पर उपलब्ध हो जाएंगे। आप हमारे इस चैनल पर यदि पहली बार जुड़े हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि और नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लीजिए ताकि सबसे पहले आपको ये वीडियो मिल सके। तो नए वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।